कि नहीं। सो मैं देख हेलो लेता हूँ सर। एवरीवन, या प्लीज हर्ष एक बार आप चेक कर लो। जी सर, मैं चेक कर लूँ। मैंने कमेंट ऑप्शन किया है। हेलो एवरीवन, कोई कंफर्म करेगा कि ये लाइव डॉक्टर ममता मैम चली गई हैं? इट इज लाइव सर, इट इज लाइव। या थैंक यू सो मच हर्ष फॉर द कॉन्फर्मेशन। हेलो एवरीवन, मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज, आपकी आवाज, और थैंक यू सो मच। लाइक्स भी आने लगे हैं तो आई थिंक विजिबल है। तो मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम एक साथ फिर से लाइव प्रोग्राम में आए हैं, और आज का टॉपिक हमने डी फार्म एग्जिट एग्जाम के ऊपर रखा है, जो कि काफी इस पे सवाल और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आखिर डी फार्म एग्जिट एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होगा, किस तरह होगा, ये सही है या गलत है, ऐसा तो नहीं है कि सेकेंडरी ऑप्शन ये क्रिएट हो जाएगा। तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन है जो उसी को लेकर हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, और ताकि आप लोगों को सवाल का जवाब मिले, और बहुत सारे हमारे कंसर्न भी है जो हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच हर्ष यादव जी, डॉक्टर ममता मैम एंड डॉक्टर राम प्रसाद भी जल्दी जुड़ेंगे, और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर ममता मैम से। डॉक्टर ममता मैम, आपने देखा कि डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आया है, और कुछ कुछ स्टेट काउंसिल्स है उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी करना चालू कर दिया, यानी एडवर्टाइजमेंट भी आने लगा है। यदि आप डी फॉर्म में आप डिग्री लेते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एक एग्जाम कंडक्ट करेगी, उसके बाद ही आपको ये चीजें मिलेगी। तो क्या बाकी कॉलेज स्टैंडर्ड पे कोई बात नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जो डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम से वो सारे चीजें रिफाइन हो जाएगा, या क्वालिटी या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तमाम सारी चीजें हो जाएगी, या ऐसा तो नहीं है कि सेकेंडरी ऑप्शंस हो जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन को लेके तमाम सारे इशू जो कंसर्न्स आते रह रहे हैं, तो आपसे एक राय लूंगा, देन आई विल मूव टू हर्ष। प्लीज मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड थैंक्स रोहित सर एंड हर्ष सर। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि आई एम इन एकेडमिक्स, तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है, तो इससे हमारे सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आई कैन गिव एन कमेंट ऑन दिस दैट कि पहले जो पीसीआई है, जो उन्होंने स्टेप लिया है, वो बहुत अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, अप्रिशिएट करते हैं हम उस चीज को, ये होना भी चाहिए था। लेकिन उससे पहले ये देखना चाहिए था कि अब ये जो आपने एग्जिट एग्जाम रखा है, आई थिंक ये स्टेट काउंसिल को दिया जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसिल एग्जिट एग्जाम कराएगा। लेकिन पहले ये देखना चाहिए था कि स्टेट काउंसिल इज कैपेबल फॉर दैट, क्या स्टेट काउंसिल उसके लिए कैपेबल है, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रही है। 2 साल Correct. से बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आई एम इन हरियाणा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो का जिनका 1-1.5 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो जब वो Yeah, इतने से exactly. बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो एग्जिट एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं? उसकी अथॉरिटी किसको दी जाएगी? आप रजिस्ट्रेशन के अंदर ही ऑलरेडी बोलने वाली, तो मतलब छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर ऑलरेडी इतना करप्शन चल रहा है, राइट? अगर Exactly. आपका तो अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने में इतना करप्शन है, तो एग्जिट एग्जाम भी इज कंपल्सरी। एग्जिट एग्जाम के बिना तो उसका रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं है। तो उसके अंदर क्या ऐसे कुछ चीजें बनाई जाएंगी कि जिससे कि ये करप्शन का, अब इसके 2 पॉइंट है, या तो इससे क्वालिटी बढ़ेगी या इससे करप्शन बढ़ेगा। अब वो करप्शन बढ़ेगा, उसके क्या पॉइंट्स है, और इससे क्वालिटी मेंटेन होगी या नहीं होगी, वो भी एक पॉइंट है। अब क्वालिटी की बात करते हैं, तो जब नॉन अटेंडिंग बच्चा पैसे दे के जब नॉन अटेंडिंग डिप्लोमा या डिग्री ले रहा है, तो अगर वो एग्जिट एग्जाम के लिए भी पैसे दे देगा, क्योंकि उसका तो मुद्दा ही वही है ना कि उसके पास तो वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, उसको तो सिर्फ एक लाइसेंस राइट चाहिए, तो वो नॉन अटेंडिंग करके वो लाइसेंस उसको लेना है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एग्जिट एग्जाम के लिए भी पैसे देने होते, वो देगा। लेकिन उसके साथ जो जेन्युइन बच्चा है, जिसको जो कि जेन्युइन कॉलेज जा रहा है, अटेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके साथ तो वो भी पिस गया ना साथ में। तो इसके लिए क्या राइट प्रावधान किया गया है, या इसके लिए क्या सोचा गया है? क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं, ऐसे नहीं है कि आपने उठा दिया और एक गजट दे दिया जी ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस गजट से पहले उसके पूरे ये जो पॉइंट्स आई थिंक सो कि वो हमें डिस्कस करने चाहिए थे, और हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब मैं, मेरे कॉलेज में एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपसे बहुत बार शेयर किया है,
कि मेरी ही एक फैकल्टी है, उसका दो पहले वो हरियाणा में, उसने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी से उसने अपना एम फॉर्म किया, बी फॉर्म किया, ठीक है, उसका हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या कि वेरिफिकेशन चल रही है, राइट, कि प्लस टू कहाँ से किया, उसकी वेरिफिकेशन अब चल रही है, ठीक। उसके बाद वो उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, यहाँ नहीं हो रहा, राजस्थान में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो राजस्थान से थी, राजस्थान में अप्लाई की, वो एक साल हो गया है कि आपकी वेरिफिकेशन, ये केस मैंने आपको भी दिया था कि एक साल से उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। तो जब इन वेरिफिकेशन में ही ये प्रॉब्लम है, जब रजिस्ट्रेशन में ही ये प्रॉब्लम है स्टेट लेवल पे, तो एग्जिट एग्जाम में क्या होने वाला है और क्या होगा, ठीक, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते। एग्जैक्टली और दूसरी चीज, पहली पहली चीज तो मैं ये चीज पॉइंट रखना चाहूंगा कि जितने भी अभी कॉलेजेस हैं 40-60%, ये पूरा कोरोना काल में हो या इवन मैंने पेज के थ्रू हुआ हो या ऑडियो क्लिप हो, ऐसे तमाम सारे ऐसी चीजें आती है सोशल मीडिया पे और सफाया बकाया लिखा रहता है कि घर बैठे डिग्री डिप्लोमा ले, 1.5 लाख का हो, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है, ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है और उसके उसको इग्नोर करके किनारे करके और इस चीजों को लाकर क्या उससे क्वालिटी मेंटेन उससे मेरे ख्याल सर ये एक पॉइंट और स्टेट जुड़ जाएगा कॉन्शियस में कि इश्यूज है। लगातार मेरे उसमें पास सर मैसेज आ रहे मुझे हैं कि मेरा मुझे रजिस्ट्रेशन लगता है नहीं हो कि रहा है, एक तमाम सारे स्टेट कॉन्शियस में इतनी इश्यूज आ रही है, तो क्या तो सर एग्जिट एग्जाम से क्या आपको लगता है सारी चीजें क्लियर हो जाएगा क्या हर्ष, इस पे क्या रखोगे? ऐसा तो नहीं है ना कि सेकेंडरी ऑप्शंस क्रिएट हो जाएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। जैसा कि हमने 24 फरवरी का नोटिफिकेशन देखा है कि डी फॉर्म एग्जिट एग्जामिनेशन आया, तो ये एक पहल तो अच्छी है। मतलब कहीं ना कहीं फिल्टर लगाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज अप्रिशिएटेड वर्क। बट यहाँ एक सवाल आता है कि अगर बी फॉर्म या एम फॉर्म जो विद्यार्थी या छात्र हैं अगर वो मेडिकल स्टोर के फील्ड में या फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो क्या वो डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम देंगे? क्योंकि इसके बारे में उस नोटिफिकेशन में कोई कमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे अमेरिका में अगर कोई फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको लाइसेंस के लिए नेपलेक्स का एग्जाम देना पड़ता है। तो वो जो नेशनल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ फार्मेसी है, इन्होंने स्टेब्लिश किया और 1975 से ये चला आ रहा है। तो ये जो नेपलेक्स एग्जाम है ये सभी के लिए है, जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, तो उसको ये एग्जाम देना है, इसकी फीस भरनी है और वो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखे हैं। बट यहाँ दो सवाल उठता है कि डिप्लोमा में जो एंट्रेंस है उसमें वो मैथ्स फील्ड का है और साइंस फील्ड का है तो भी एडमिशन ले सकता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी से 12th किया है तो भी वो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। एज लिमिट का गैप है 12th में, अगर वो मतलब कब दे रहा है उसको सन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, मतलब प्रॉपर एज लिमिट जो पीसीआई ने अभी तक नहीं डाला है, प्रॉपर एज लिमिट की बात की जाए, मतलब कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े टाइप के बात है। बराबर तो जो प्राइमरी फिल्टर है जहां से स्पूरियस स्टूडेंट एंटर कर सकते हैं, मतलब जो वेल स्टेब्लिश्ड हैं या जिनको केवल लाइसेंस के लिए फार्मेसी की पढ़ाई करना है, उनकी एंट्री अभी भी ओपन है। अब पीसीआई कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से देख रहा है कि कहीं ना कहीं फार्मेसी की गुणवत्ता इससे गिरी है, तभी तो वो रेगुलेशन बार बार नोटिफिकेशन ला रहा है। तो वो एक फिर एक पहल किया कि वो एग्जिट एग्जाम रखना चाह रहे हैं जिससे अगर कोई नॉन अटेंडिंग है तो उसको उतना नॉलेज नहीं होगा और वो इस एग्जाम में फेल हो जाएगा। जो व्यक्ति पैसे दे के अगर डिग्री लेने की सोच सकता है तो क्या वो एग्जाम में भी कहीं से क्वेश्चंस पेपर या इस तरीके की चीजें या धांधली नहीं कर सकता क्या पास होने के लिए? एग्जैक्टली सवाल तो तो इस पे हर लगाम सवाल लगाना समझ नहीं आता। और दूसरा ये क्या है, ये एक दूसरा आउटलेट खुलेगा, क्योंकि पहले जीपैट एग्जाम था उसका तो आज तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो केवल मास्टर को एक स्कॉलरशिप मिलती है 12,400 और उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फार्मेसी नेट में नहीं है। जो सीएसआईआर नेट होता है एग्जाम, नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट जेआरएफ होता है, उसमें फार्मेसी का कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ऑलमोस्ट 95 अबव सब्जेक्ट शामिल है। तो जीपैट के लिए कोचिंग सेंटर्स बहुत खुले हुए हैं, काफी अच्छे से रन कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब एग्जिट एग्जाम आ गया तो ये कोचिंग वालों का एक और धंधा बन जाएगा, बच्चों को पास एग्जैक्टली कराने ये लोग का। परेशान हुएंगे। तो हम कोचिंग क्यों करें जब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं? तो क्या हमें वहां स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं मिल रहा है कि हम अपनी काबिलियत से उस एग्जाम को पास आउट कर सकें? क्या हम ऐसा कल्चर डेवलप नहीं कर सकते? ये इसका कारण दूसरा ये भी है क्योंकि नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है तो नॉन अटेंडिंग टीचर्स
भी मिलेंगे आपको फार्मेसी कॉलेज में से, जहां वो केवल जब इंस्पेक्शन होता है तब अपना प्रोफार्मा प्रोफाइल पकड़ के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं यहीं का टीचर हूँ और मुझे एक दिन का इतना 20,000 रुपए दे दिया जाए। तो ये सारी जो माल प्रैक्टिस हमारे फार्मेसी में चले जा रही है वही मेजर कारण है दिनों दिन फार्मेसी का स्तर गिरने का। और उसमें इस तरीके के जो चोचलेबाजी चल रही है, अलग अलग एग्जाम लाना, ये लाना, उसको क्लियर उसका एक तरीका है कि क्योंकि हमारे यहाँ डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, किसी का सेगमेंटेशन नहीं है। एक फार्मासिस्ट एंट्री करता है किसी जॉब सेक्टर में, वो फार्मासिस्ट बन के ही रिटायर होता है। धीरे धीरे कैडरशिप की बात हो रही है, एक दो स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, पर एज अ कंट्री होल, एज अ फेडरल सिस्टम हम कहाँ स्टैंड करते हैं वी डोंट नो, क्योंकि हमारे जितने बड़े लोग हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही उतने वेल एजुकेटेड वेल पॉलिसी मेकर्स ही नहीं है। तो हम कहाँ आगे जाके स्टैंड करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। कोरोना भी चला गया, डिफरेंट चीजें चले गई जो मेडिकल से रिलेटेड थी, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी थी फार्मेसी वालों के लिए, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस 2019 से लेकर ये 20, 21, 22 का ये 2 साल सभी ने घर बैठे डिप्लोमा हासिल किया है। एग्जैक्टली सवाल यही उठता है ना कि जो जो इंसान घर बैठे डिग्री डिप्लोमा खरीद सकता है, क्या वो एग्जिट एग्जाम आसानी से अरेंज नहीं कर सकता है? तो सवाल तो यही है, लगाम तो जो रूट कॉज जो होता है, जहां रूट को पकड़ना चाहिए, वो चीज पे तो लगाम है ही नहीं ना। तो इस कॉलेज का कोई स्टैंडर्ड मेंटेन है, लोग ओपनली लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है, तमाम सारे ऐसे चीजें चल रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। और उसके बाद यदि इस तरह का लाकर, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा ये चीज हो गया, क्योंकि ग्राउंड पे क्लियरेंस जरूरी है। प्रोड्यूस प्रोडक्शन जहां से हो रहा है वहीं पे कंट्रोल नहीं है, ऑथोरिटी और इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्लियर होना चाहिए चीजों का। आप एग्जाम लेके आ रहे हैं। या प्लीज यस मैम बताइए। एक हर्ष सर ने बात कही इसी पॉइंट पे, सर ने बात की पॉलिसी मेकर, ठीक है, तो आप पॉलिसी मेकर की भी अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो वो पॉलिसी मेकर कौन है? अगर आप जब पूरे फार्मेसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के कैंडिडेट्स होने चाहिए, और वो पूरे अलग अलग फील्ड से होने चाहिए, वो इंडस्ट्री से होने चाहिए, वो एकेडमिक से होने चाहिए, वो हर फील्ड से होने चाहिए। तो वो पॉलिसी मेकर तो मेनली जो है वो एक ही, वो एक ही बैठा है ना, तो पॉलिसी मेकर तो पॉलिसी तो तब बनाई जाएंगी या प्रॉब्लम तो तब शॉर्ट होगी। अब हम अकेडमिक से हैं तो जब ये एग्जिट एग्जाम रख दिया गया तो ये देखा गया कि एकेडमिक्स के अंदर का जो बंदा होगा वही तो बता पाएगा ना आपको कि एकेडमिक्स में क्या प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस जो पॉलिसी मेकर्स हैं सबसे पहले हमें उसका सुधार करना चाहिए कि पॉलिसी बना जो वो पूरी पूरा एनालाइज करे कि डिप्लोमा बेस पे क्या प्रॉब्लम है, बैचलर बेस पे क्या प्रॉब्लम है, एम फॉर्म बेस पे क्या प्रॉब्लम है, पीएचडी बेस पे क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो पॉलिसी मेकर का पूरा अलग अलग फील्ड से वो आएंगे तभी फार्मेसी प्रोफेशन का कुछ हो सकता है, ऐसे गजट निकालने से और ये ऐसे अलग अलग पॉलिसी थोपने से ये सब कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली हमारे जो वहां पे जो काउंसिल्स में बैठे हुए हैं, स्टेट काउंसिल्स में ज्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो सफर करते हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें भी नजर आती है। तो ये लगातार हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि हर फील्ड से यदि मेम काउंसिल्स में जो पहुंच रहा है वो हर सेक्टर से हो, बी से, बैचलर से भी हो, मास्टर से भी हो, फॉर्म डी से भी हो, फॉर्म डी आपका पीएचडी से भी हो, तमाम सारे ऐसे लोग पहुंचेंगे तभी कुछ होगा बात, वरना हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मेसी हमारा बिजनेस सेक्टर थोड़ी है, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली से जुड़े हुए फार्मासिस्ट को सिर्फ एक ही कम्युनिटी से जोड़ा जा रहा है कि फार्मासिस्ट का मतलब है बिजनेसमैन, दैट्स इट। एग्जैक्ट, और ये काउंसिल्स का इलेक्शन भी हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। अभी मेरे पास कई सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र काउंसिल्स में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हम अपॉर्चुनिटीज की क्या बात करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, गवर्नमेंट हमें कैसे ऑब्जर्व करेगी, हमारे यूपीएससी में फार्मेसी नहीं है इस पे कोई बात नहीं हो रहा है, ड्रग कंट्रोल ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज को देखा जाए तो उस पे भी कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसी बात हम कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि निगेटिव जाता है हमारे वहां। हमारे पास कमेंट भी आ रहा है यूपीएससी में भी फार्मेसी का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे ऐसे चीज कौन बनाए? सर यूपीएससी में सब्जेक्ट है नहीं है, वो इलिजिबिलिटी नहीं है, सबकी इलिजिबिलिटी होती है, तो वो चीजें तो वो बताएगा ना जो उससे कंसर्न होगा, उससे तो कंसर्न ही नहीं है ना यूपीएससी से। तो
तो वो वाले जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को जब तक रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जब तक पॉलिसी मेकर्स जो है वो इस तरीके से नहीं लिए जाएंगे, तब तक उसका रूट यानी कि उसका जो बेस है उसको स्ट्रांग नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, आप कितनी पॉलिसीज करेक्ट, बना लीजिए। बट ये चीज डॉक्टर ममता मैं आपसे मैं पूछूंगा, ये जो एग्जिट एग्जाम है आपने उसका वो देखा होगा, सारे नोटिफिकेशंस आया है, तो इसके लिए उन्होंने लिखा था एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उस चीज को एग्जाम से कंडक्ट करेगी, तो क्या आपको लगता है कि स्टेट काउंसिल्स में ऐसे कोई अथॉरिटी है जो बाकायदा इस चीज को कर सकते हैं? बिकॉज ऑलरेडी ये स्टेट काउंसिल्स में तो मैंने बहुत सारे सबसे कथा पहले और ही कहानियां बनती है। आपको ये कहा सर कि वो रजिस्ट्रेशन के मुद्दे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये एग्जिट एग्जाम को तो क्या संभालेंगे। अब वो कहते हैं जी वेरिफिकेशन हो रही है कि फेक आ रहे हैं, तो इतने टाइम से जो फेक आ रहे थे तो आप उनको धड़ल्ले से फेक लिए जाते, आज उनको आपको दिख गया कि वो फेक है। अगर वो फेक है तो उसके साथ में जो बच्चे बहुत जेन्युइन नाइपर के बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो उनके साथ क्यों सफर कर सर रहे हैं? कुछ ठीक है सर, उनको फोन करो तो उनके फोन कॉल्स नहीं उठते हैं, वो रिसीवर को उठा के साइड में रखते हैं, आप 24 घंटे उनको फोन मिलाते हो, नहीं उठेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अब उसके अंदर क्या किया गया है कि हर पोर्टल जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का पोर्टल है उसके अंदर कॉलेज जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा, उसके अंदर हमारा दिखेगा कि हम वहां पे हैं। तो स्टेट काउंसिल को क्यों ना सेंट्रलाइज काउंसिल से पहले उसको अलाइन किया जाए, क्यों नहीं अलाइन करते? पीसीआई एक लिस्ट निकाल के दे जी ये कॉलेजेस है पूरे इंडिया में और ये आपके स्टेट्स के हैं और इसको आप अपने पोर्टल पे डालिए। अब हम यहाँ से, मैं अपने कॉलेज से खुद की बात करती हूँ, मैं ये प्रॉब्लम क्यों शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैं 2 महीने से राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को फोन कर रही हूँ, मेल कर रही हूँ, रिसीवर उठा के साइड में रख रखा है, ठीक है, कि ये जो रवैया रहा है स्टेट मेरे काउंसिल्स कॉलेज में, का नाम पोर्टल पे डालिए, लेकिन क्या है वो बच्चे हमें कहते कहते मैडम ये आप ब्लैक लिस्टेड हो गया, आपका कॉलेज जो है पीसीआई के अंडर नहीं है क्या? क्या जवाब दे उनको? सवाल यही है। और तो बहुत सारे सवाल ऐसे मेरे ये पास, है कि जब ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस ही ऐसा चल रहा है तो एग्जिट एग्जाम का क्या होने वाला है, इसको तो सोच के वैसे ही हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा सर, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्या होने वाला है। डॉक्टर राम प्रसाद जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम प्रसाद जी आप सर एक 2 मिनट, हेलो, थोड़ा हाँ सर नेटवर्क इशू है ओके मेरा, मैं राउटर पर। ओके ओके डॉक्टर, हाँ जी हर्ष, तो मैं हर्ष की तरफ ही जाता हूँ। क्या हर्ष आपको क्या लगता है कि स्टेट काउंसिल उस तरह के एलिजिबल हैं ये एग्जिट एग्जाम को लेकर? क्योंकि सर उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है, और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय हमने एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनियमितताओं को बताते हैं और किस तरीके से ये आउटलेट का काम करते हैं ये भी इस चीज को बताते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को लाइसेंस चाहिए उसको, या शॉप खोलना है या कुछ भी आगे बढ़ना है, वो चाहता है ये प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो। तो जैसे घूस लेना देना दोनों अपराध है, तो वो दोनों चीजें वहां घटित हो जाती है। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को। या हर्ष में डॉक्टर राम प्रसाद जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम प्रसाद जी नेशनल प्रेसिडेंट हैं फॉर्म डी का, और लगातार अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हो या फॉर्म डी का हो या फार्मेसी सेक्टर का हो। हाँ जी डॉक्टर राम प्रसाद जी, आप अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं और यस, कई दिनों से भी जुड़ तो रहे हैं हमारे साथ? मेन जो अभी बात हो चुकी है, इस बहुत सारे मुद्दे मैंने देखे हैं, जैसे ममता मैम ने रखा है, यादव हर्ष सर ने रखा है, और आपने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, बट इसमें एक ही मुद्दा आता है लगातार कि ये करप्शन फार्मेसी प्रोफेशन में। तो ये सब ये पुरानी बातें हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स है काउंसिल्स मेंबर्स, जैसा आपने डिस्कस किया कि हर किसी स्टेट में जाओगे आप 6 मेंबर होते हैं, या फिर उसके जो बॉडी मेंबर्स है पर्टिकुलर स्टेट काउंसिल के, उसमें ज्यादातर लोग ये डिप्लोमा होल्डर है, और बहुत से लोग उसमें केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के थ्रू रहते हैं। और ये एग्जैक्टली लोग जो राइट, पुराने ख्यालों से, जब फार्मेसी शुरू हुआ था हमारा, वो बहुत ही क्वालिफिकेशन भी नहीं था, फर्स्ट हमारा डिप्लोमा था, उसको ही लेके हम आगे बढ़ते रहे, और वहां से लेकर आज तक हम प्रायोरिटी देते हैं डिप्लोमा को। ठीक है हम देंगे, कोई बात नहीं है, बट हर किसी पोस्ट के लिए डिप्लोमा क्वालिफाई है, और ये इलेक्शंस में भी वही लोग आते हैं। फिर वहां पे काउंसिल में जो मेंबर्स रहेंगे, स्टेट काउंसिल जो कि सेंट्रल काउंसिल पे दबाव बना के रखता है प्रोफेशन में चेंजेस लाने के लिए, प्रोफेशन में कुछ अच्छा ही करनी है, तो ये डिप्लोमा होल्डर हमेशा देखता हूँ मैं। अभी महाराष्ट्र के स्टेट के इलेक्शन चालू है काउंसिल के, उसमें एक ही मुद्दा आता है कि फार्मेसी स्टोर का, और उसमें परसेंटेज, फिर उसमें जो कुछ चल रहा है शेड्यूल के, इसी रिलेटेड सब जो कुछ है वो बिजनेस माइंडेड चलते हैं।
तो उसमें मैंने बहुत जो 4-5 पैनल है सबके साथ डिस्कशन किया, तो बहुत सारे पुराने लोग हैं, सीनियर है, तो उनको लगता है कि ये कोई तो भी नए लोग आए और ये हमें सिखा रहे, तो उन्होंने अवॉइड किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, तो हमने खुद जाकर एक पैनल बना दिया। एक 3 संगठन थे, उनका पैनल चालू करना था, उसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे थे, बट कुछ मेंबर्स नहीं मिले हमें काउंसिल के लिए। तो अदर जो मेंबर्स है सभी हमने बी फार्म, डी फार्म, यम फार्म और पीएचडी होल्डर्स, इनको ही रखा है इलेक्शन में कि आप राइट इलेक्शन लड़ो और आप जो पॉइंट्स रखोगे वो बेटर रहेगा और आपका नॉलेज है उतना। तो ये सब, और बाकी के पैनल्स वालों ने हमें बताया कि हम भी आपके पॉइंट्स ले लेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे, बट दे आर डिप्लोमा होल्डर, वो नहीं करेंगे जितना चाहते वो, बिकॉज़ उनके दिल में नहीं रहेगा, उनके मन में हमेशा वही उनका बिजनेस के रिलेटेड रहेगा, उनको हर समय बताना पड़ेगा कि सर ये हो रहा है और आप इसके ऊपर आवाज उठाइए, नहीं, उसकी हमने जगह अगर डॉक्टर कोई। राम और डॉक्टर राम प्रसाद जी, हमने अब तक क्या किया है फार्मेसी में? सारा चीजें तो खत्म हो रहा है, शेड्यूल के हाथ से चला जा रहा है। उसके बाद अभी नोटिफिकेशन आया मेडिकल डिवाइस को लेके कि आप 12वीं पास मेडिकल डिवाइस बिजनेस कर सकेगा यानी सेल कर सकेगा, जबकि बाकी देशों में मेट्रो विजिलेंस लाया गया है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लाया गया है, और हमारे इंडिया में क्या रहा है, 12वीं पास हम मेडिकल डिवाइस बेचेगा, और आने वाले समय में और भी बातें चल रही है। तो चीजें तो हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, और यदि देखा जाए एग्जिट एग्जाम को ही, हम बार 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 हम उसी पे आ रहे हैं टॉपिक पे, बिकॉज टॉपिक ही आ जा रहा है, एग्जिट एग्जाम की ही बात करें तो बाकी चीजों को करेक्शन करने की जरूरत थी। काउंसिल में देखिए ना, कॉलेज का कोई स्टैंडर्ड है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो वहां पर प्रॉपर फैकल्टीज है, तो वहां से अनइथिकल फार्मासिस्ट ही प्रोड्यूस होंगे, अनस्किल्ड फार्मासिस्ट। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट बराबर देखा जाए तो वो डॉक्यूमेंटेड करके रखे हुए हैं कि नहीं, हर केमिस्ट के पास हर फार्मासिस्ट है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेड है, ग्राउंड पे जीरो है। तो ऐसे तमाम सारे ऐसे ऑलरेडी इतना करप्शन है, उसके बाद यदि इस पे लगता है कि ये चीजें लाकर वो तो अपना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, क्योंकि और जॉब की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आए दिन देखा जाता है नए कॉलेजेस को दे दिया जाएगा, इंस्पेक्शन करा जाएगा, एग्जिट एग्जाम ला दिया जाएगा, ये कोई नहीं बोल रहा है कि फार्मेसी को ये चीज मान्यता दिया जाएगा, फार्मासिस्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, उनके लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात की जाएगी, क्रेडरशिप की बात की जाएगी, ड्रग इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज की बात की जाएगी, चाहे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की बात की जाएगी, या इस पे अपोज करना चाहिए था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो मेडिकल डिवाइस के लिए नोटिफिकेशन आया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं गया इसके ऊपर। तो हमारे पास इतनी चीजें हैं, तो हम तो एकेडमिक तो पूरी खत्म कर चुके हैं, हम लोगों ने एकेडमिक में तो कुछ बचा ही नहीं है, लोग जाना नहीं चाहते एकेडमिक में, ये हालत हमने बना रखा है। सर, अभी सर इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा हाँ कि प्लीज। हम पढ़ते हैं टेक्निकल एजुकेशन में और बाद में सर्विसेज देते हैं हेल्थ केयर में, तो हम पढ़ते टेक्निकल में तो बहुत से लोग हैं हेल्थ केयर के कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये टेक्निकल में पढ़ते हैं और टेक्निकली जो कोर्सेस है उसके तरह हमें ट्रीट किया जाता है और उसकी तरह ट्रेन किया जाता है। आप देखोगे बहुत सारे कॉलेजेस है वो इंडस्ट्री लेवल, बी फार्म हो या एम फार्म हो, उनको इंडस्ट्री में काम करना है। आप जैसे हमेशा बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी, ये पेशेंट सेफ्टी उनके दिमाग में कहीं पे आता ही नहीं, उनका एक ही मोटो रहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको हमें इंडस्ट्री में प्लेस करना है, और वो उसी के लेवल पे सोचते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि पहले से जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको हेल्थ यूनिवर्सिटीज के अंडर रखना चाहिए, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज से या निकाल कर पहले ही इसको ऐड हेल्थ यूनिवर्सिटी में करना चाहिए। तो इसकी डिमांड हमारी तो चालू होने वाली है, अभी बस बहुत से पॉइंट्स आते जा रहे हैं कि बहुत सारा काम करना है, बट प्रीवियस जो हमारे पॉइंट लिए, हमने जो मुद्दे लिए है वो ही कंप्लीट नहीं हो रहे, इस वजह से हम मुद्दा नहीं ले पा रहे अलग अलग, और उसपे हर एक कमेंट नहीं सर, कर सकते। हमारा जो फार्मेसी है जो यहाँ पे लीगल कर दिया गया, अनइथिकल वर्क को लीगल कर दिया गया है। आप गूगल पे टाइप करो, घर बैठे डिग्री ले वो भी मिलेगा, घर बैठे सर्टिफिकेट कैसे रेंट पे लगाना है वो भी मिलेगा, अपनी डिग्री मास्टर्स की कैसे आपको कॉलेज में रेंट पे लगाना है वो भी मिलेगा। तो ये चीजें तो ये हालत हमने बना रखा है, फार्मेसी का तो कोई नाम ही नहीं है, फार्मेसी का मतलब सिर्फ बिजनेस हमने बना रखा है, उसमें भी हम बहुत जीरो जा रहे हैं, उसमें भी कोई धीरे धीरे हाथ से निकलते जा रहा है, इंडिया के शेड्यूल के निकला, बड़े मेडिकल बड़े डिवाइस गुरु निकला। जैसे रोहित सर, जैसे कि राम प्रसाद जी सर ने इंडिया कहा, के बड़े बड़े ग्रुप है कि वो बताते रहते हैं हर एक चीज के, लाइसेंस कैसे रेंट पे देना है, या फिर कैसे आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आपको एक्सटर्नल एडमिशन किस कॉलेज में लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे गुरु है यूट्यूब पे, और लोग वही देखकर वो एडमिशन लिया। अभी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी किसी कॉलेज की एडवर्टाइज करने की कि हमारे पास एक्सटर्नल डी फार्म है, कि हम वहाँ पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे। तो ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी कॉलेज की। बट टेक्निकल एजुकेशन में, फार्मेसी की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जहां पे मैं जाके आया हूँ, पॉलिसी मेकर जो है मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू होता है एजुकेशन का रिलेटेड,
तो मैं वहां पे जाता हूँ तो वहां पे फार्मेसी के लोग है ही नहीं किसी सिस्टम में, टेक्निकल में फार्मेसी प्रोफेशन के कोई है ही नहीं, तो वो सोचते भी नहीं है कि फार्मेसी के रिलेटेड क्या करना है और क्या नहीं है, तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है, तो इसके लिए एक एक ही सोल्यूशन है कि फार्मेसी एजुकेशन जो है वो टेक्निकल एजुकेशन से हटा के हेल्थ जो के हेल्थ यूनिवर्सिटीज में लाना चाहिए। एग्जैक्टली हर्ष जी, आप कुछ बात रखना चाहिएगा? सर मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रामप्रसाद सर से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैं एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में ये देखा हूँ कि फार्मेसी के साथ साथ केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग हुआ है टाइम के साथ, तो ये क्या जो केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन है क्या ये फार्मेसी सेक्टर से पढ़ के आए हैं? ये फार्मेसी जहां तक मुझे डेफिनेशन मालूम है, केमिस्ट ड्रगिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो किसी फार्मेसी को अपने अंदर रखता है, काम कराता है और ड्रग का प्रोक्योरमेंट और इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं, तो क्या ये वाकई में फार्मेसी का हित चाहते हैं जो केमिस्ट ड्रगिस्ट जो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी फंडिंग है जिसके कारण इनका जो रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल से लेकर बाहर तक लेकर अगर ये एक चीज स्ट्राइक करते हैं तो केमिस्ट ड्रगिस्ट का स्ट्राइक सक्सेसफुल रहता है, बट वहीं फार्मेसी वाले स्टूडेंट लोग अगर कोई स्ट्राइक या कुछ आंदोलन करना चाहेंगे तो वो एकजुट नहीं हो पाते। इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे तो वाकई व्यूवर्स को बहुत हेल्प होगा। सर हमारा एसोसिएशन तो अभी डेवलपिंग है, यानी कि मेंबर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे इसी दिक्कतें आती है कि लोग जुड़ना नहीं चाहते और कुछ काम नहीं करना चाहते, जो कि हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, इनसे हम जुड़ना चाहते थे, ये लोग जुड़ना नहीं चाहते। बट ये केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन वाले जो है वो बिजनेस माइंड से चलते हैं और वो बिजनेस के लिए बढ़ावा देते हैं, उसके उनके अंडर में बहुत से फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं सर। केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो है उसमें बहुत सारे फार्मासिस्ट भी है, उनका फिक्स वोटिंग है, तो ये लोग एक बिजनेस स्ट्रेटजी रखते हैं और उसी के तहत वो पैसा लगाते हैं। मैं पैसे की बात करूंगा डायरेक्टली कि वो पैसा रखते हैं खर्च करना, अभी एमएसपीसी इलेक्शन से तो वहां पे भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, बहुत सारी चीजें है पॉलिटिक्स है इलेक्शंस में, ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व होके इनको सबको खरीद कर रखते है। आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगे, फिर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये बहुत से चलते आ रहा है, ये उनका बिजनेस चलता चाहिए। तो आपने डिप्लोमा का एक लिमिट नहीं रखा गया, इन्हीं लोगों के लिए रखा गया कि इनके फैमिली मेंबर डिप्लोमा हो जाए और इनके लाइसेंस पे इनका खुद का बिजनेस चालू रहे फार्मेसी, और उसके बाद देखोगे तो ये यही चाहते हैं कि फार्मेसी स्टोर जो है उसका जो मालिक होगा वो नॉन फार्मासिस्ट रहे, इसके लिए भी वो बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं। डॉक्टर राम प्रसाद जी, यदि हाथ में ये सिस्टम, रोकूंगा आपको, यदि ऐसे ही थॉट से आगे बढ़ना है तो इट्स बेटर देन द क्रिएटर सेपरेट काउंसिल्स। आप करते रहो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात, हम जैसे लोगों क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पीएचडी लोगों को, मास्टर्स के लोगों को, बैचलर्स लोगों को, और जो ऐसे डी फॉर्म भी है जो फार्मासिस्ट करियर बनाना चाह रहे थे, अब उनके लिए तो पूरी करियर स्पॉइल हो रहा है ना। तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप सेपरेट काउंसिल बनाओ, लड़ते रहो इलेक्शन, आप हम लोग जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ना। डॉक्टर ममता मैम, बहुत सारे आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पास एक्सपेक्टेशन होता है मेडिकल में नहीं निकलता है, तो हर कोई यूक्रेन नहीं जा सकता एमबीबीएस करने, तो जो भारत में है उतने पढ़ रहे हैं, इतने ईमानदारी से पढ़ रहे हो आप, तो ये कह रहे हो कि इनकी एक अलग से एसोसिएशन होनी चाहिए, ये अपना मुद्दा रख सके। आपने बीच में ये भी सुना होगा शायद कि डिप्लोमा होल्डर्स जब काउंसिल में बैठ सकते हैं तो व्हाई दे आर नॉट पीसीआई इंस्पेक्टर्स, दे आर एलिजिबल फॉर पीसीआई इंस्पेक्शंस इन द कॉलेजेस, ठीक है? तो आप ये भी सोच लीजिए कि मैम आपने ये जो चीज बोला है ना, ये बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर इस चीज को उठा चुके हैं कि हमें इंस्पेक्टर क्यों नहीं बनाया। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, और वो उठा चुके हैं और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक डिप्लोमा होल्डर अब एक पीएचडी जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो बैठा है उसके कॉलेज को चेक करने आएगा, दैट क्या उसको ये पता है कि सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन रूम में क्या बला होती है, मतलब कि क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब मतलब स्टुपिडिटी की हद हो गई है। लेकिन उससे भी स्टुपिडिटी ये है कि नोबडी इज, मतलब कि उसको अपोज नहीं कर रहा है, दे आर सपोर्टिंग कि डिप्लोमा होल्डर्स शुड बी द इंस्पेक्टर्स ऑफ पीसीआई एंड दे विल गो टू द कॉलेजेस एंड दे विल इंस्पेक्ट द कॉलेजेस। सर मतलब कि वो वर्ड्स, जब ये स्टेटमेंट आई थी तो मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं थे, मैंने तो अपने, मतलब क्या कमेंट किया जाए, मतलब कि
कमेंट भी करे तो ये ये समझ मैंने नहीं आ भी रहा है देखा कमेंट उस क्या चीजों करे। को, एक मुझे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आखिर चाहते क्या है। यदि हम जैसे लोगों को फ्यूचर खतरे में है ना, यूक्रेन से लोग MBBS थ्योरी क्लास करके इंडिया में आते हैं, एग्जाम भी पास कर एग्जिट एग्जाम भी पास कर लेते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन से मिल जाता है, आराम से सेटल हो जाते हैं। वही हमारे जो इंडिया में PharmD है विद प्रैक्टिकल, तमाम सारे ऐसे पेशेंट काउंसलिंग लाइव ट्रेनिंग वो करते हैं, उसके बाद उनको एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट से एक जॉब नहीं मिलता है, मिलता है तो वही 15,000-18,000 की नौकरी, उससे भी वो कोई भरोसा नहीं है कि जरूरत भी नहीं वही मिलेगा। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, हम लगातार एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, डी फॉर्म को एग्जिट एग्जाम हो जाना चाहिए, डी फॉर्म इतने कॉलेज के अप्रूवल मिल जाना चाहिए, कर क्या रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन सुना था कि 5,000 नए कॉलेजेस खुलने वाले हैं, बेरोजगारी की फौज खड़ी करनी है क्या? सर, पांच हजार बेरोजगारी नए कॉलेज होती है तो सर। खुलने वाले हैं राजस्थान में, अभी तक भर्तियां नहीं हुई सर। 4,000 पोस्ट की बात हुई थी, वहां 12 साल तक रजिस्ट्रार नहीं रहा था। ये सारी जो अनियमितताएं हैं हर लोग देखते हुए आ रहे हैं, फार्मेसी वाले। पर फार्मेसी के पूरे ब्लड में एक चीज कॉमन है सर, कि वो मतलब घर में बैठ के आंदोलन करना चाहते हैं, वो कभी भी ग्राउंड पे नहीं आए सर। मैं इतने सारे आंदोलन अपने जब से मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ देखता आया हूँ। जहां शेड्यूल के अमेंडमेंट हुआ था तो दिल्ली में भी बहुत कम लोग ही पहुंचे थे उसके प्रोटेस्ट में, और बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि हमारा क्या चीज छीना जा रहा है, हमारी हाँ, क्या क्या तो पावर है। थी, मैं 1 मिनट रुकूंगा। अभी सिर्फ 12वीं पास को मेडिकल डिवाइस के लिए अथॉरिटी दे दो, ऑथराइजेशन दे दिया गया है। एक लेटर, एक प्रोटेस्ट, एक ऑब्जेक्शन किसी ने लगाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज बाकी देशों में मेट्रो विजिलेंस गाइडलाइंस लाया गया है, बिकॉज मेडिकल डिवाइस से बहुत सारे सीरियस इश्यूज क्रिएट होता है, समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग भी इश्यूज आती है, डेथ भी हो जाता है, आपको भी पता है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, तो हम ऐसे नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि 12वीं पास भी अब कर सकता है, फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। इस पे और ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए थी। सर कम से कम जो भी जैसे सेंट्रल काउंसिल है PCI सर और आप स्टेट इस चीज से काउंसिल नोट है, करिए। स्टेट काउंसिल भी है और एसोसिएशन भी है, पर सर एक एसोसिएशन भी ना 5 या 10 सदस्य भी लेके आता ना तो जंतर मंतर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। राइट एसोसिएशन के नाम पे सर, सर जंतर 20,000 मंतर में। हाँ एसोसिएशन सर, होंगे। यस मैम, जंतर मंतर पे भीड़ कौन करेगा? आप ये समझिए कि +2 जो है, +2 मेडिकल डिवाइसेस के लिए इलिजिबल किया गया, किसके उस पे इलिजिबल हुआ होगा? जो बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, जिनके पास केमिस्ट या उसकी डिग्री है, जिसके पास डिप्लोमा भी नहीं है, उनको अपने बिजनेस चलाने हैं भाई। एक फार्मेसी की शॉप करने के लिए तो एक लाइसेंस चाहिए होगा ना, +2 कर लेंगे तो मेडिकल, जिनका वो मेडिकल शॉप था, वो साथ में एक मेडिकल, वो मेडिकल डिवाइस धड़ल्ले से बेचेंगे, तो उनको तो उसके लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए। तो ये भी ये तो है ना, ये वही केमिस्ट लोग हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो अपने तरीके से अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें चला रहे हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? उनको तो मतलब कि मैडम वो आपको कहाँ से देखिए, लाएंगे, ये विकास चीजें तो जी यहीं से हमारे हो साथ रही है जो ना, है, कोई बाहर विकास से जी तो का आ आप नहीं रहा। कमेंट्स देखिए, विकास जी हमारे हैं वो काफी दिल्ली में काफी फार्मा एक्टिविटीज काम कर रहे हैं, उन लगातार वो चीज दिल्ली फार्मेसी काउंसिल्स के जो वहां के जो रजिस्ट्रार हैं उन पे इन्होंने कई सारे ऐसी चीजें उन्होंने उठाया है। आप सोच सकते हैं जब एक काउंसिल्स में दिल्ली जैसा जगह में यदि ये हालत है जो लगातार चल भी रहा है मैटर, कई बार ऐसा आया है कि वहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तमाम सारे ऐसी ऐसी चीजें नजर आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई एग्जिट एग्जाम में क्या होने वाला है। हमने तो बहुत सारे इश्यूज पे बात किया बिकॉज हमारा सर का टॉपिक ही एग्जिट एग्जाम के था। सर विकास जी इतनी आप यदि हैं सो तो जुड़ना चाहूंगा मैं, आपको मैसेज में करता हूँ आपको, सर आप इतनी कल सोवरीन से। जो दिल्ली है राजधानी के, जब फार्मेसी काउंसिल में जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हो सकता, तो ये एग्जिट एग्जाम किस लेवल हाँ पे फेयर कराएंगे आप ये सोचिए। और हमारे राइट फार्मेसी पूरी फैटर्निटी में लोगों को पता नहीं है कि दिल्ली इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली हो गई है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी का जो हॉटस्पॉट है वो केवल दिल्ली क्षेत्र तक ही बना, पर इसकी पूरी फार्मेसी फैटर्निटी में बात ही नहीं हुई कि इलेक्शन ही फर्जी हो चुका है, वहां कोई दूसरा जीत गया। अब आप बताइए, इस तरीके का हाल तो काउंसिल के इलेक्शन में है तो ये एग्जिट एग्जाम कैसे फेयर कराएंगे भगवान जाने। कई कई बार RRB का इश्यू आता है, इवन UPSC भी कई कई बार क्वेश्चन मार्क में आ गया है, जो फार्मेसी ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन मार्क में घिरा हुआ है वो एग्जिट एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएगा, मुझे तो यही बहुत बड़ा डाउटफुल लग रहा है। और कोई बी फॉर्म एम फॉर्म अगर फार्मेसी खोलना चाहता है तो वो क्या डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम देगा, ये भी एक सवाल है। और इसको मैं चाहता हूं कि नेपलेक्स के तर्ज पे हमारे देश में लाइसेंसिंग दिया जाए अरे कि हर्ष जी, उसकी फीस नेपलेक्स हो। यहाँ पे जो फॉर्म, नेपलेक्स की जरिए की आप बात जो बात कर रहे हैं वो काफी स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जो मैं एग्जामिनेशन, जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके पेपर आप खुद देखिएगा, तो आप सवाल किया मतलब
विश्वास नहीं कर सकते हैं किस तरह का एग्जाम, व्हाट्सएप मैसेज की तरह एग्जाम दिया जाता है, ये हालत है। ऑब्वियसली सर, मैंने देखा है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर हिंदी में लिखो जी, इंग्लिश में लिखो जी, आंसर हिंदी में लिखो, बुक्स धड़ल्ले से हिंदी में बिक रही है, कोई चक्कर नहीं है, डिप्लोमा के लिए सब फ्री है, सब इजीली अवेलेबल है। इवन ना सर, आप YouTube पे सर्च मारेंगे ना तो सबसे ज्यादा डिप्लोमा से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा पढ़ाई का, और उसका कंटेंट आप देखिए कि किस तरीके के कंटेंट में बात हो रही है। और PCI का जो सिलेबस अभी डिप्लोमा के लिए जो रिन्यू हुआ है वो लगभग 30-40 साल बाद रिन्यू हुआ है, तो किस स्तर पे हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं भगवान ही जाने। हाँ जी डॉक्टर राम प्रसाद जी, और भी डॉक्टर एक मेन अभी MSPC इलेक्शंस के रिलेटेड ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट पे महाराष्ट्र में 2,90,000 फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है, और इसमें से जितने भी फार्मासिस्ट इससे पहले 11 साल पहले एक इलेक्शन हुआ था MSPC इलेक्शंस, और उससे पहले से ही जो MSPC आज तक जिसके हाथ में वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ही अंडर में है, तो जितने भी इलेक्शंस हो चुके हैं प्रीवियसली उसमें बहुत से लोग है कि उनके जैसे इलेक्शन की प्रोसेस है यहाँ की कि बैलेट पेपर आते हैं बाय पोस्ट, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन पे जो नंबर दिया एड्रेस दिया है वहां पे पहुंचते हैं, और वहां से वो उस पे बैलेट पेपर पे उनका वोट देकर उसको रिटर्न कर देते हैं बाय पोस्ट। तो ऐसी बात हुई है कि जो फिक्स लोग है MSDA के, ऐसे कुछ लोगों को और कुछ अन लोगों को पहुंचा है बैलेट पेपर, बाकी लोगों को बैलेट पेपर ही नहीं मिला है। जो 30 साल से बी फार्म होल्डर है या फिर डिप्लोमा होल्डर है उनके पास आज तक बैलेट पेपर ही नहीं पहुंचा है 30 सालों में। और कोई कोई लोग प्रसाद जी मैं रोकूंगा यहाँ पे 30-40। हाँ जी सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो फार्मेसी जो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर बी सुरेश थे उनका एक बैग से इस्तीफा जाता है और पता नहीं चलता आखिर ऐसा क्यों हुआ, उस पर कोई इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आता ना नोटिफिकेशन आता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इवन हमारे जो पूरी फार्मा कम्युनिटी है वो इवन कंफ्यूज है कि आखिर क्या हो गया, ऐसे एक बैग सा तमाम सारे ऐसे न्यूज अचानक से लोगों को आता है। तो ये जो आपने प्रोसेस जो बताया प्रोसेस को जो आप प्रोसेस बता रहे हैं लगातार कि ये चीजें हो रही है, शॉर्ट में बोल सकता हूँ इसके ऊपर क्या हुआ है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सॉरी प्लीज, हाँ कंटिन्यू। उन्होंने रेजिग्नेशन देने का एक ही रीजन था, जस्ट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने वो तो चला गया, बट लेकिन जो जो लगातार जो नोटिफिकेशन जो आ रहा था कि क्लिनिकल फॉर्म एग्जैक्टली आई थिंक किसी कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं क्यों हर्षी आपका नेट वो आपका आ नहीं रहा है। नहीं सर ठीक है, इट्स प्रॉपर सर। मैं विजिबल सर, थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ जी हर्ष, आप बात कुछ रखना चाह रहे हैं फिर देन आई विल मूव टू डॉक्टर ममता। सर जैसे कि रामप्रसाद सर जी ने कहा कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो सर एक बात है कि जब ये डिजिटल इंडिया हो रहा है तो ये फार्मेसी को क्यों नहीं ऑनलाइन करते हैं, ये इलेक्शन ऑनलाइन क्यों नहीं होते हैं, जिस उसके अंदर सब जो है जो भी है मेंबर्स है जितने भी मेंबर अपने आप वोट करेंगे अपने आप अपना चॉइस करेंगे, वो क्यों नहीं उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो यहाँ ये भी एक क्वेश्चन है ना, जब इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया बन रहा है तो व्हाई फार्मेसी इज नॉट गोइंग फॉर दैट, क्या बैलेट पेपर के उसमें आप अभी तक भी आप रजिस्टर्ड पोस्ट पर हो, क्योंकि इसके पीछे भी कोई रीजन है ना सर। तो इसको पहली बात अगर आपको ये चीज करनी है तो पहले इसको डिजिटल किया जाना चाहिए और ताकि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो और सब अपना वोट जो है वो दे सके, क्योंकि बैलेट पेपर वो जैसे सर ने बताया कि बैलेट पेपर तो सब तक पहुंचता ही नहीं है, मतलब हरियाणा में मैं हूँ मेरे तक ही नहीं पहुंचा आज तक, मुझे 16 साल हो गए हैं आज तक मेरे पास तो बैलेट पेपर नहीं आया सर कोई भी। यस डॉक्टर ममता मैं रोकूंगा, विकास जी जुड़ गए हैं हमारे दिल्ली से और लगातार वो दिल्ली में फार्मा एक्टिविटीज काम कर रहे हैं और दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से इन्होंने कई सारे इलेक्शंस भी लड़ा थे इन्होंने, इनके काफी मैंने शेयर भी किया था। हाँ विकास जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है रोहित जी, नमस्कार। हाँ तो नमस्कार, अभी आपने नोटिफिकेशन देखा है एग्जिट एग्जाम को लेकर और आपका लगातार आवाज भी आ रहा था उठ रहा था और
पोस्ट भी आ रहा था कि दिल्ली, खासकर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में बोलूं तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे तमाम सारे ऐसे डिमांड किए जाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को हो, तमाम सारे ऐसी चीजों को हो। अब इसमें आप एग्जिट एग्जाम को देख लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी चीजें तो आ रही थी। रोहित जी, इससे मुझे लगता नहीं है कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब पीसीआई कॉलेजेस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो एग्जिट एग्जाम को क्या कंट्रोल करेंगे। जिन कॉलेजों में फर्जी डिग्री दी जा रही है, डिप्लोमा दिया जा रहा है, पीसीआई को सब पता है, लेकिन पीसीआई उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। उन पर एक्शन ना लेके एक नया चीज दे दिया गया है एग्जिट एग्जाम के नाम पे, ताकि इसमें एग्जाम होगा, लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देके फिर क्लियर कर लेंगे। तो ये तो सिर्फ एक भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक नया तरीका मिल गया है, मुझे नहीं लगता exactly है पड़ने वाला है। राइट और लगातार आप आवाज भी उठा रहे हैं कि इस तरह की चीजें चल रही है स्टेट काउंसिल्स में, स्पेशली दिल्ली में। जी जी रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में रजिस्ट्रार मिस्टर कुलदीप सिंह है, उनकी खुद की डिग्री फर्जी है। एग्जैक्टली मैडम, आप ये सोच लो, आप एक्स प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा है, उनकी डिग्री फर्जी है। एक मेंबर सबसे पहले नोटिफिकेशन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से आया है, सबसे पहले नोटिफिकेशन भी जो लेटर जारी किया गया है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से। और आप ऐसे और विकास सर का एक ऐसे भी आरोप है कि उनकी खुद डिग्री फर्जी है, तो पहले तो उनको जांच होनी चाहिए, एग्जिट एग्जाम तो उनको पास होना चाहिए। बिल्कुल, क्या विकास जी, सबसे पहले तो उनको अपनी डिग्री वहां दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के बाहर नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए। सर, आप बीकॉम की डिग्री कर रहे हो, यहाँ पे पीएचडी की डिग्री डिग्री है, जो पीएचडी करके आ रहे हैं वो बड़ा आपको वो डिग्रीज है, वो सबको पता है सर कि क्या हो रहा है, कि डिग्री है कैसे बिक रही है, वो बी फॉर्म की क्या पीएचडी की डिग्री फेक है सर यहाँ पे। तो ऐसे में विकास जी, तो दिल्ली रजिस्ट्रार तो ऐसे में तो और डिमांड बढ़ा जाएगा। ममता जी, जो रजिस्ट्रार दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के जो जिनकी खुद की डिग्री फर्जी है, वो पीएचडी होल्डर बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं। हाँ हाँ, वही तो कह रही सर, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप बी फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो पीएचडी जो बच्चे हैं, जो जेन्युइन है, उनकी वो तो वो ले रहे हैं, ठीक है। एक डिप्लोमा होल्डर जो है हमारे ऊपर हुकुम चला रहे हैं कि भाई आपके जो है आपके बच्चों का एग्जिट एग्जाम हम लेंगे, मतलब कि सर मैं तो इस चीज को टोटली डिनाई करती हूँ, ये एक करप्शन बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब हम किसी कॉलेज की वो डालते हैं, अगर कोई कंप्लेंट डालते हैं, रेदर देन कि उसका कुछ इलाज किया जाए, उस कॉलेज से डिमांड की जाती है, तो वो भी एक रास्ता खोल देते हैं, मतलब कि वो भी एक रास्ता मिल गया है कि जी आपकी ये कैंसिल कर दिया जाएगा, अदरवाइज हमें इतने पैसे दे दो। तो यानी कि किसको कंप्लेंट करे, कहाँ कंप्लेंट करे, फेसबुक के ऊपर जो ये धड़ल्ले से चीजें लिखी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी हायर अथॉरिटीज पे, मतलब उनके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो सोशल मीडिया पे, मैंने काफी जगह कंप्लेंट कर भी दी है, और तो उसका रिजल्ट को तो हम हटा के ही दम लेंगे। नहीं, वाकई सोचने वाली बात है, यदि दिल्ली जैसी जगह पे यदि स्टेट वहां का स्टेट काउंसिल्स का रजिस्ट्रार का यदि इस तरह का चीजें लग रहा है, आरोप लग रहा है, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, तो सवाल उठता ही है भाई, जांच का विषय बनता है। और लगातार ये भी विकास जी उठा रहे थे कि वहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये कहां से चीजें डिसाइड होगा, मतलब ऐसे अथॉरिटी कहां से दे दिया गया कि भाई करेक्टर सर्टिफिकेट भी डिसाइड किया जाएगा। रोहित जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो आते हैं, दो दो साल पहले उन्होंने अप्लाई किया था और अभी तक उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, और हैरानी की बात यह है कि उनका बैलेट पेपर भी घर पे आया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उन बच्चों ने उनको पैसे नहीं दिए। सही बात, एक लंबी लिस्ट मेरे पास पूरी। सर, ये सेम चीज हरियाणा और राजस्थान में भी चल रही है जी, हमारे खुद के बच्चे जो है, दिल्ली वालों ने हरियाणा वालों से सीखा, ये हरियाणा में पहले ऐसा चलता था, अब दिल्ली में भी हो गया है। बस नहीं, ऐसा हर जगह वो चीजें मूव हो रही है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एग्जिट एग्जाम यदि इस तरह का लाया जाएगा तो और डबल बर्डन पड़ने वाला है, यानी एग्जिट एक और नया विंडो खुल जाएगा पैसे कमाने का, एक करप्शन का, बिकॉज ऑलरेडी ऐसे ऐसे आरोप हर स्टेट कॉन्फ्रेंस का ऐसे। रोहित सर, हम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ अपनी हाई अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो ये एग्जिट एग्जाम रखा है, इस पे एक बार दोबारा से सोच विचार किया जाए, इसको दोबारा से एक बार इसके लूज पॉइंट्स और ये सब डिस्कस किया जाए, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या उसके लिए
क्या उसके लिए मतलब कि वो क्या उसको संभाल सकती है? आज तक उनसे ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारे ये 2 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखे है, जब तुम ये वाला सिस्टम नहीं संभाल सकते तो क्या वो एग्जिट एग्जाम संभाल सकते हैं? तो पहले ये देखा जाए कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल उस चीज के लिए तैयार है या नहीं है, फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और दोबारा से इसके ऊपर सोच विचार किया जाए। ये रोहित जी देखो ना, अभी बिनय मैसेज जी, डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। हाँ जी, आपके पास अभी मिला भी है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में फॉर्म डी का रजिस्ट्रेशन में 8 मंथ हो गया, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि ऑलरेडी 5 साल का कोर्स है, 8 महीने उनको रजिस्ट्रेशन में लग गया, तो 6 साल वो ऐसी बर्बाद हो गया, तो उनकी तो फ्यूचर तो खराब ही होगी। सवाल ये उठता है, इस तरह का मैसेज आ रहा है, ये हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, वाकई में हर स्टेट काउंसिल के साथ इस तरह का चीजें लगातार आ रहा है कि वो सर, एक चीजें को बच्चा एम सेंट्रलाइज किया फॉर्म जाए। कर, एक बच्चे ने हम बी फॉर्म में अप्लाई किया था, हमेशा कह आज रहे की हैं डेट में वो एम फॉर्म कर ग्रेजुएट चुकी या है, फिर या फिर ठीक है, छोटे हैं, एम फॉर्म कर अगर ऐसे चुकी है, कोई लेकिन इशू उसका आता है तो रजिस्ट्रेशन आप नहीं आया है और उसको वो ठीक किसी है भी गवर्नमेंट जॉब लेके के लिए जरूर हेल्प कर इलिजिबल सकते नहीं है, हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकती है। अब तो ये आप कई ये सोचिए कि सारे बच्चों का ऐसे क्या कमेंट्स भविष्य हैं खराब डॉक्टर कर रही है ममता लोग। में, नहीं आपकी बात सही है, अभी आप कई सारे कमेंट्स भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे घूस दे रहे हैं, पहले इसको बंद करना चाहिए, ऐसे तमाम सारे ऐसे चीजें आ रही है इसमें, और उसके बाद ये सर एग्जिट ये एग्जाम ला दिया जाएगा, ये पास कराने के लिए फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो हाँ, तो ये तो बच्चों के लिए नाइंसाफी हो रही है ना सर। वो तो मतलब कि अच्छे जो बच्चे भी इसमें बिजनेसमैन, इन्वॉल्व हो गए ना, नहीं फेक नहीं कॉलेज, फेक सुनो, बच्चे के साथ साथ अच्छे बच्चे की भविष्य तो दांव पे एग्जैक्टली लग जाएगी। सर, सर जो बिजनेसमैन है अगर वो लाइसेंस के लिए उसने तो उससे तो पैसे देने हैं, वो 50-60 हज़ार रुपए एग्जिट के लिए भी देता है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है उसका क्या, उसका भविष्य तो आप खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली हमारा कंसर्न उन्हीं लोगों के लिए है जो एक ईमानदारी से और एक प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके वजह से जो बिजनेस वाले जो आके पैसे देकर पास हो जाएंगे उसके वजह से ये भी फंसेंगे, तो इनके लिए हमारा क्योंकि एक कंसर्न है कि क्योंकि सर राइट ये तो एक कंपल्शन हो गया ना कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन, तो वो तो उसको ठीक देना है। ही मैं आप पड़ेगा। एक एक पॉइंट्स लेके मैं बाइंड अप करूंगा, डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराष्ट्र से हैं, तो आप अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो आप, लास्ट पॉइंट आपसे लूंगा एग्जिट एग्जाम के ऊपर, खासकर यह स्टेट जी, आपका एग्जिट महाराष्ट्र में भी एग्जाम पर हमने, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, देन आई विल क्लोज द यस, एग्जिट एग्जाम का जो अभी आया है तो उसमें एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तक तो डिप्लोमा और एमफार्म पीएचडी तक उनको साथ में रखा था उन्होंने, और एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई करने वालों को फिर से वो डिप्लोमा होल्डर्स को इन्हीं के साथ में एमफार्म बीफार्म फार्मडी इन लोगों के साथ बिठाना चाहते हैं क्या? ये भी इसके ऊपर हो सकता है कि इसका भी, इसके पीछे का ये रीजन भी हो सकता है कि वो और भी डी फार्म चलाना चाहते हैं और उनको डी फार्म करने के बाद जो जॉब रोल है वो बाकी लोगों के, जैसे कि अदर क्वालिफाइड पर्सन है बी फार्म एम फार्म, उनके साथ बिठाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा वो पैसे वाला करप्शन वाला भी हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो थैंक यू सो एग्जिट मच। एग्जाम रखने की जगह आप जो प्रॉपर कॉलेजेस है वहां पे इंस्पेक्शन करके उनका एग्जैक्टली वही चेक होना चाहिए, और जिस मॉनिटरिंग तरह करके करना झारखंड चाहिए। में जिस तरह उन्होंने दिखाया है, या एग्जैक्टली जो झारखंड में जिस तरह उन्होंने 2-4 कॉलेजेस पे एक्शन दिखाया है, वैसे बहुत सारे स्टेट में भी इस तरह का एक्टिविटी है या इस तरह का एक्शन जरूरत थी, और विकास इस तरह का, विकास की तरह मैं मूव करूंगा, देन आई विल टेक फ्यू पॉइंट। हाँ जी विकास जी, और आपके एक जो टॉपिक आपने रखा है, एक बार फिर से हम दोबारा सेशन भी करेंगे, बिकॉज जी काफी जी लेट जुड़े आप। तो हाँ आप बात आखिर रखना मैं भी यही चाहते कहना हैं चाहूंगा कुछ? कि एग्जिट एग्जाम पर सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो ये करके तो अपनी संस्थाओं पे शक पैदा कर रहे हैं कि हमारी संस्थाएं ठीक काम नहीं कर रही, हमारे कॉलेज ठीक काम नहीं कर रहे। हमें अपने कॉलेजों को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम उन पे सर ध्यान कहाँ देंगे तो करेंगे होंगे। ऐसे भी, कहाँ से ये ठीक करेंगे, ऑलरेडी कॉलेजेस विदाउट बिल्डिंग में एक गैरेज में अप्रूवल दे दिया गया है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट रोज वो इंश्योर गलती नहीं तो करती है पीटीआई की फार्मासिस्ट है, तो को पीटीआई को देखना परचेज। चाहिए फिर इसकी जरूरत थी क्या एग्जिट एग्जाम की, जब उनको पता ऐसा हो रहा एग्जैक्टली है तो सर, कैसे हो अगर जाएगा कोई फिर ऐसा तो? कॉलेज, ऐसा कॉलेज मिलता है और जिसको जो इंस्पेक्टर वॉशिंग कहते मशीन हैं थोड़ी है, उनके एग्जाम अगेंस्ट एग्जिट पीटीआई ने एग्जिट कोर्ट में एग्जाम किस करके वॉशिंग मशीन डायरेक्ट थोड़ी है, एक्शन इसमें लेना चाहिए, डालेगा फार्मासिस्ट धुला के आ जाएगा, बाकी पढ़े ये घर जो बैठे डिग्री ले या इंस्पेक्टर डिप्लोमा ले, तो वही सर, जो इंस्पेक्टर जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए और उस कॉलेज को वो अप्रूवल दे देते तो वो उस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे एग्जैक्टली। राम राम एग्जाम प्रसाद जी, कैसे। सेशन काफी वो काफी लंबा चला यस गया है, विकास जी से और भी कुछ पॉइंट्स, कुछ और भी हाँ बातें रोहित रखना जी, चाहते मैं हैं दिल्ली के चाहूंगा लिए? कि अगर आप इस मुद्दे पे जो मैंने उठाया है इस पे बात करना चाहते हैं कल, तो आप कम से कम रजिस्ट्रार को, उनको भी कोशिश करें इस पे लाने की, ताकि आमने एग्जैक्टली सामने बात हो। हाँ, यदि वो सुन रहे होंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काउंसिल से भी लोग हैं, यदि इस तरह की चीजें लग रही है तो वाकई में आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये उन्हें भी मैसेज देना चाहता हूँ, वाकई में इस तरह की चीजें है,
उनको भी अपनी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। और स्टेट काउंसिल में लगातार इस तरह का मैसेज कमेंट्स भी आ रहा है कि उनके साथ पैसे लिया जा रहा है, एक एक साल से उनकी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है, और विकास जी भी इस तरह लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। मैं मंच पे उनके सामने आने को तैयार हूँ। आप अजय शर्मा को, पंकज आत्रे और रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह, उन तीनों को ही बुलाइए ताकि आमने सामने बात हो और लोगों को पता चल सके कि मैं सही बता रहा हूँ या वो सही बता रहे हैं। लोगों को क्लियर होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ममता मैम की तरफ मैं जाऊंगा। डॉक्टर ममता मैम, आप अपना कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं? देन आई विल मूव टू हर्ष यादव जी। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी हायर अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही अपील करूंगी कि आप अभी एग्जिट एग्जाम के ऊपर एक बार दोबारा से विचार करिए, विचार विमर्श करिए, इसके लूज पॉइंट और वो देखिए। इंस्टेड ऑफ एग्जिट एग्जाम, आप पहले अपने काउंसिल से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से ये पूछिए कि उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या स्टैंडर्ड है। 2 साल से जो रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं, पहले उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पहले उनको कराइए, पहले उस वाली चीज को लाइन अप करिए। ये एग्जिट एग्जाम जो है ये बाद का मुद्दा है, ठीक है, और इससे करप्शन ही बढ़ने वाली है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी इसके ऊपर दोबारा से उनको एक बार विचार करना चाहिए। दैट्स इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हर्ष जी आप हैं या हर्ष यादव जी? हाँ, आप अपनी बात रखना चाहिएगा। तो यार हर स्टेट से लोग जुड़े, महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, हरियाणा से भी जुड़े हैं, दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो फार्मेसी के जो विजनरी लोग हैं, वो फार्मेसी का भविष्य गर्त में ही डालना चाहते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा के पीछे ही पड़े हुए हैं। उनको जो हायर एजुकेशन किए हुए हैं, उनपे कोई बिलीव नहीं है कि वो कुछ करने के कैपेबल हैं या उनमें कोई कॉम्पिटेंसी है। इसी कारण उन्होंने डी फार्म एग्जिट एग्जाम लाया, नहीं तो वो ग्रेजुएट फार्म एग्जिट एग्जाम लाते। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना झमेला करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिप्लोमा की जो एंट्री है वही एक 2 साल का स्मॉल कोर्स है जिसमें धांधली होती है, और वही लोग मेडिकल चलाने जाते हैं और वो बिजनेस ओरिएंटेड है। और जो इस स्ट्रीम का पूजा कर रहा है, साइंस की तरफ पढ़ रहा है, और जो पेशेंट कंपाइलेंस या पेशेंट सेफ्टी विजिलेंस और जिसको नॉलेज है, जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है फार्मेसी प्रैक्टिस, एक तरफ जो पीसीआई है फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करती है और ऊपर से फिर लाती है डी फार्म एग्जिट एग्जाम, तो ये कहीं भी एक दूसरे से तालमेल नहीं है। और पीसीआई कभी भी नहीं चाहेगी कि वो डिप्लोमा बंद करे। तो ये टोटल बिजनेस है और ये दूसरा आउटलेट है पैसा कमाने का, मेरे हिसाब से यही है। और अगर कोई एग्जाम लाना है लाइसेंसर को लेके, तो उसके लिए नेपलेक्स के तर्ज पे कुछ एग्जाम लाया जाए जिसमें हर कोई जो भी लाइसेंस करके प्रैक्टिस करना चाहता है फार्मेसी, उसको वो एग्जाम देना चाहे, इंस्टेड ऑफ डिप्लोमा बी आपकी आवाज कट रही है हर्ष यादव जी, उसका लेवल ये एग्जैक्टली बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है। और मेडिकल डिवाइस जो 12वीं पास के लिए, हाँ, जो मेडिकल और जो मेरे ऑथोरिटी कुछ सुन रहे होंगे कि 12वीं पास के लिए मेडिकल डिवाइस का एक नोटिफिकेशन आया है, उस पर भी विचार करें और उस पर भी एक संज्ञान लेने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन धीरे धीरे ऐसे तो डाइल्यूट होते जाएगा। राइट डॉक्टर ममता जी, विकास सर जी, बिकॉज वो भी एक नोटिफिकेशन देखा था आपने मेडिकल डिवाइस को लेकर, तो इस पर भी बात करने की जरूरत है रेदर देन इस तरह के चीजें लाने के बजाय। और एक सेंट्रलाइज पोर्टल सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो पैसे देने पड़ रहे हैं और बहुत लोगों का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक कभी फॉर्म विकास जी से ही रिक्वेस्ट किया, एक जो विनय कुमार सिन्हा जी हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली से ही हैं, उन्होंने 8 महीने से रजिस्ट्रेशन उनका नहीं मिला है, जबकि वो फॉर्म डी वो 5 साल का ऑलरेडी कोर्स होता है, वो उन्होंने 5 साल ऑलरेडी लगाया है। तो ऐसे में यदि इस तरह का चीजें आती है तो और समय की बर्बादी है, और करप्शन तो आप हर स्टेट से देखने को मिल रहा है। आप कमेंट्स भी पढ़ लीजिए तो तमाम सारे मिल जाएगा कि स्टेट कौन से क्या है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। राइट विकास सर जी, आप सहमत है बातों से, क्या और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं? देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 12th पास को मेडिकल डिवाइस बेचने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस बेचना और दवाई बेचना एक ही बात है। राइट राइट, मेडिकल डिवाइस तो पेशेंट के ही काम आनी है ना, वहां भी तो गलती हो सकती है। तो मैं बिल्कुल लाइफ रेटिंग इश्यूज वहां से भी होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार हम लोग वही आज का चर्चा वही था हमारा, रजिस्ट्रेशन और एग्जिट एग्जाम को लेकर। एक बार मेडिकल डिवाइस को लेकर हम एक टॉपिक फिर रखेंगे, बिकॉज वो भी एक बहुत सीरियस मुद्दा है।
तो कहीं ना कहीं उस पे भी संज्ञान लेने की जरूरत है काउंसिल्स को और जो बहुत सारे एसोसिएशन है इस पर आवाज उठाएं अपनी। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता मैम, विकास सर जी, हर्ष यादव एंड डॉक्टर राम प्रसाद जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।